वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। हमने हीनायान देखा था, महायान, फिर उनके भी सबसेक्ट्स, फिर और अदर जो सेक्ट्स थे वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए। बीपीएससी में आप अक्सर देखेंगे कि बुद्धिज्म से सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक, बुद्धिज्म से सवाल पूछता ही पूछता है क्योंकि ये लिंक्ड है बिहार से। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर वैसे तो सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर बीपीएससी वाले बच्चे तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़े। बुद्धिस्ट लिटरेचर को और क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट लिटरेचर को कहते हैं त्रिपिटाका। क्या बोलते हैं? त्रिपिटाका। किस लैंग्वेज में कंपोज होता है? ये पाली लैंग्वेज। अब त्रिपिटाका कौन कौन से? सुत्त, विनय और अभिधामा। हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो हमने ये देखा था कि जो आपकी पहली काउंसिल हुई, जो अजात शत्रु ने करवाई थी, उनके द्वारा जो है करवाई गई थी राजगृह में, उसमें क्या हुआ था? बुद्धा की जो फिलोसफीज है, बुद्धा की जो टीचिंग्स है, ठीक है, उनको क्या किया गया था? कंपाइल करके दो पिटाका में डिवाइड किया गया था, ठीक है, कौन कौन से? सुत्त और विनय। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि अशोक द्वारा कंडक्ट कराई गई थी वैशाली में, सॉरी पाटलिपुत्र में, वैशाली नहीं पाटलिपुत्र में, तो वो उसमें क्या हुआ था? उसमें आपका थर्ड पिटाका आया जो कि था आपका अभिधामा पिटाका, ठीक है। तो ये तीन पिटाका हो गए किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में, बुद्धिस्ट लिटरेचर के, जिनको क्या बोलते हैं? त्रिपिटाका। पहला पढ़ेंगे सुत्त पिटाका, इसके पांच पार्ट हैं, ठीक है। सुत्त पिटाका आपके पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है, दीर्घ निकाय, मिजहम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुद्दक निकाय। फिर आपका विनय पिटाका चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रतिमोक्ष, सुत्त भंगा, खंडक और परिवार। फिर आपका आता है अभिधामा पिटाका। द पिटाका डिस्क्राइब बुद्धिस्ट फिलोसफिकल प्रिंसिपल। अब ऐसा कौन सा पिटाका है या फिर ऐसा कौन सा हम कहेंगे टेक्स्ट है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? बुद्धिस्ट के फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को। तो अभिधामा पिटाका, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टेक्स्ट। कौन कौन से टेक्स्ट है इसमें? धम्म संगी, विभागा, धातु कथा, पुगला पंचटी, कथावत्तु, यमाका और पत्थाना। ये सब क्या है? अभिधामा पिटाका के टेक्स्ट है। तो तीन पिटाका हो गए, सुत्त, विनय और अभिधामा। सुत्त पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है और विनय चार पार्ट्स में। फिलोसफिकल प्रिंसिपल किसमें है? बुद्धिज्म के या फिर बुद्धा के? तो अभिधामा पिटाका, ठीक है। फिर आते हैं और टेक्स्ट जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वो है आपका जटाका टेल्स। कितने हैं टोटल? 549, 549 जो है कितने जटाका टेल्स। फिर आपका जाता है अथ कथाएं, दीज आर रिटन एज अ कमेंट्री ऑफ द त्रिपिटाका। त्रिपिटाके की कमेंट्री के रूप में इन्हें लिखा गया है। फिर आता है आपका निदान कथा, इसके तीन पार्ट है, दूर निदान, अभिदूर निदान और सांतिक निदान। कौन से निदान कथा के कितने कितने पार्ट है? तीन पार्ट है, दूर, अभिदूर और सांतिक। ये आपके कुछ टेक्स्ट है किससे रिलेटेड? बुद्धिज्म से। अब आ जाते हैं रीजंस। जैसे बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ ना, तो उसके डिक्लाइन, उसके खत्म होने का, उसके नीचे गिरने का, या हम कहेंगे उसके डिक्लाइन होने का कारण क्या रहा है? तो डिफरेंशिएशन इन बुद्धिस्ट संघ एंड मेनी फॉलोअर्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्ट्स। अब क्या हुआ कि लोगों की सोच में, देखिए एक कोई संघ है उसमें 50 तरह के लोग हैं तो 50 तरह की सोच भी होगी। अगर आप एक संघ में तो आप एक ही तरह की सोच रखिए, तभी वो चीज आगे कंटिन्यू हो सकती है, ठीक। तो क्या था, लोगों की अपनी अपनी सोच थी, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्स में, हीनायान, महायान, फिर और भी फर्दर सेक्स में डिवाइड हो गए, तो उससे डिफरेंशिएशन आने लगा। फिर द अडॉप्शन ऑफ पेजेंट रूल्स फॉर बाई बुद्धिज्म। पेजेंट रूल जो अडॉप्ट कर लिया गया, वो भी एक कारण था डिक्लाइन का। मेकिंग संस्कृत लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। अब संस्कृत लैंग्वेज सबको नहीं आ सकती, ठीक है, तो वो प्रोपोगेशन का अगर मीडियम बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कत होगी ही होगी। उतना आप बुद्धिज्म को उतने अच्छे तरीके से नहीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। लग्जरी एंड अडल्ट्री बुद्धिस्ट विहारास बहुत ज्यादा। अब बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म का तो यही वही है कि आप अपनी क्या कहते हैं अभिलाषाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं खत्म कर दीजिए, तभी आप निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ क्या हुआ, लोग लग्जरी करने लगे, बहुत एकदम आलिशान तरीके से जिंदगी जीने लगे, तो ये सारी चीजें क्या की, बुद्धिज्म को डिक्लाइन करने लगे। रिएक्शन ऑफ पुष्यमित्र संघ रूलर्स, पुष्यमित्र संघ रूलर्स जो थे उनके रिएक्शन की वजह से। फिर जो ब्राह्मण रिलीजन में रिफॉर्म आया उनकी वजह से,
बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि महिलाओं की जब एंट्री हो गई संघ में तो वो भी एक कारण था डिक्लाइन का, और जो तुर्कों का इन्वेजन था, तुर्कियों का, वो भी एक कारण था आपका डिक्लाइन का. ठीक. अब बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैव नॉट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. दोनों जो जैनिज्म बुद्धिज्म है उन दोनों ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, बट बोथ एम्फसाइज प्योर एंड मोरल लाइफ, काइंडनेस एंड नॉन वायलेंस. पर ये दोनों जो है, दोनों धर्म कहेंगे, दोनों आपकी जो हम कहेंगे कि संघ है, ठीक, इन दोनों ने क्या किया, ये तो कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बिलीव नहीं करते, पर इन दोनों संघ ने या फिर इन दोनों रिलीजन ने किस चीज पर बिलीव किया कि इंसानियत होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा की तरह रहना चाहिए, एक सभ्य तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए. मतलब एक पॉजिटिव जो है कंक्लूड पे दोनों ही आपके कहेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म कंक्लूड किए, ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन पे. ठीक है, ये आपका था बुद्धिज्म पूरे डिटेल में. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.